एनईटी स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प ए आनंद, विकल्प बी दुख, विकल्प सी विषाद या विकल्प डी शांति। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए आनंद। गर्मी का विलोम शब्द क्या है? विकल्प ए जलवायु, विकल्प बी तापमान, विकल्प सी गर्मी या विकल्प डी ठंड। इसका सही जवाब है विकल्प ए ठंड। कई लोगों के लिए एक शब्द बताएं। विकल्प ए समूह, विकल्प बी जन, विकल्प सी समुदाय या विकल्प डी परिवार। इसका सही जवाब है विकल्प बी जन। एन एन में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? विकल्प ए कर बहाव, विकल्प बी अधर छोर, विकल्प सी आंख स्वामी या विकल्प डी तरफ एवं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी आंख स्वामी। धन की कमी होना का मुहावरा क्या है? विकल्प ए धन की तंगी होना, विकल्प बी धन की बरकत होना, विकल्प सी धन का अभाव होना या विकल्प डी धन का अपव्यय होना। इसका सही जवाब है विकल्प ए धन की तंगी होना। उपसर्ग अ का प्रयोग किस शब्द में होता है? विकल्प ए अविकसित, विकल्प बी विकसित, विकल्प सी ज्ञानवान या विकल्प डी ज्ञानी। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए अविकसित। वाक्य त्रुटि संबंधी प्रश्न, वह स्कूल नहीं जा रहा है, इस वाक्य में त्रुटि है या नहीं? विकल्प ए त्रुटि है, विकल्प बी त्रुटि नहीं है, विकल्प सी कुछ सुधार की आवश्यकता है या विकल्प डी यह वाक्य अधूरा है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी त्रुटि नहीं है। कमलेश में कौन सी संधि है? विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी वृद्धि संधि, विकल्प सी यण संधि या विकल्प डी अयाद संधि। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए गुण संधि। तरंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? विकल्प ए सजा, विकल्प बी नौका, विकल्प सी उमंग या विकल्प डी पैना। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी उमंग। ओठ का तत्सम शब्द है? विकल्प ए ओठा, विकल्प बी कलदी, विकल्प सी ओष्ठ या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प सी ओष्ठ। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आकर्षक का विलोम शब्द है? विकल्प ए अनाकर्षक, विकल्प बी अनाचार, विकल्प सी विसर्जन या विकल्प डी अवरोह। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।